जी फोर। कार्बन प्लस ओ टू गिविंग सीओ टू, सीओ प्लस हाफ ओ टू सीओ टू। हमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं। एट द एंड पूछा है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस का कितना इंथाल्पी चेंज है, कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस। तो मुझे करना क्या है इसमें, पहले रिएक्शन में कार्बन सॉलिड है, लास्ट रिएक्शन में कार्बन गैस। वन प्लस फोर तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या आ गया, सीओ टू। सीओ टू एक्स्ट्रा आया है, सीओ टू माइनस करेगा करना पड़ेगा सेकंड में से, और उसमें सीओ एक्स्ट्रा आ गया है। चलो वन टू थ्री फोर रिएक्शंस। ओ टू टू रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन फोर माइनस सेकंड रिएक्शन माइनस थर्ड रिएक्शन बाय टू। श्रेयस जी फोर में जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो कुछ इस वे में आएगा, रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन फोर माइनस रिएक्शन टू माइनस थर्ड रिएक्शन बाय टू। सर लेकिन कैसे वो आ ही नहीं रहा है, मुझे समझा ही नहीं मतलब कुछ। चलो देखो कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। देखो बोर्ड पर मुझे पहले तो मैं डिजायर्ड रिएक्शन लिख देता हूं, कार्बन सॉलिड गिविंग कार्बन गैस, ये डिजायर्ड रिएक्शन है हमारे पास। अब कार्बन सॉलिड का है फर्स्ट रिएक्शन में, सो इसको फिफ्थ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन वन रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड है, रिएक्टेंट में ही हमें रिक्वायर्ड है, तो प्लस के साइन के साथ रखा है इसको। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन में है कार्बन गैस। चलो मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ सारे, फर्स्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट कार्बन सॉलिड प्लस ओ टू, प्रोडक्ट नीचे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट आ गया सीओ टू प्लस सी प्लस ऑक्सीजन सिंगल एटम। क्या एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास, सीओ टू एक्स्ट्रा आ गया है प्रोडक्ट साइड में। मुझे तो सिर्फ कार्बन सॉलिड कार्बन गैस चाहिए। अब सीओ टू जो एक्स्ट्रा आ गया ये कहां पर प्रेजेंट है, सेकंड रिएक्शन में, प्रोडक्ट में है वहां पे भी प्रोडक्ट में, तो सेकंड रिएक्शन को माइनस कर दो। अब सेकंड रिएक्शन को माइनस किया मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड किया हमने, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, सीओ प्लस हाफ ओ टू, तो ये सीओ टू कैंसिल हो। बट अब क्या एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, सीओ एक्स्ट्रा आ गया है। अब यदि सीओ एक्स्ट्रा आ गया है तो सीओ कहां दे रखा है, थर्ड रिएक्शन में। कितने सीओ एक्स्ट्रा आए, नहीं हमने क्या मिस कर दिया था, अच्छा फोर्थ रिएक्शन का सीओ हमने ये भी मिस कर दिया था, फोर्थ रिएक्शन का सीओ थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, सीओ गिविंग सी प्लस ओ, सीओ गिविंग सी प्लस ओ ये मैंने मिस किया था। तो ये हमारे पास सीओ सीओ भी कैंसिल हुआ। अब देखते हैं हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, हाफ ओ टू भी एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको हम करते हैं मैं ऑक्सीजन एटम हमें दे रखा है थर्ड रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, दो, हमें एक चाहिए वो भी माइनस करना है, ये भी प्रोडक्ट वो भी प्रोडक्ट, तो थर्ड रिएक्शन को बाय टू करके माइनस कर देंगे। यदि थर्ड रिएक्शन को बाय टू करके माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड विद हाफ हाफ ओ टू, ये ऑक्सीजन कैंसिल, हाफ ओ टू वन ओ टू कैंसिल, क्या बचा पूरा रिएक्टेंट, कार्बन सॉलिड, प्रोडक्ट में कार्बन गैस, डिजायर्ड रिएक्शन आ गया। सो डेल्टा एच फाइव विल बी डेल्टा एच वन फोर माइनस टू माइनस थ्री बाई टू। क्लियर है क्या अभी, यस सर। तो जस्ट एक एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट को होल्ड करके चलना है, नहीं समझ में आया तो हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के चलने तो और थोड़ा क्लियर आ जाए हो जाएगा। इसके बाद था जी फोर के बाद आई फोर, जी फाइव भी है संजना का। जी फाइव द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 5 लीटर इथाइलिन विद 5 लीटर H2 एट दिस प्रेशर इज दिस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। चलो इसका रिएक्शन लिखो पहले, तो इथाइलिन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ,
this is the reaction of ethylene C2H4 plus H2 giving C2H6. Clear? 5 liter can react with 5 liter to produce 5 liter. हम उसको वॉल्यूम में डील कर रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स का जो भी रेशियो होगा दैट आल्सो बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम. PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है. 5 लीटर कैन रिएक्ट विद 5 लीटर टू प्रोड्यूस 5 लीटर 1:1:1. अब हमें चाहिए डेल्टा U. डेल्टा H दे रखा है हमें. डेल्टा U डिटरमाइन करना है. डेल्टा P, डेल्टा H किलो जूल में, उसको जूल में ले लो, -500 जूल. क्लियर? हमें अब डेल्टा यू कैलकुलेट करना है. डेल्टा पीवी, वॉल्यूम इज, प्रेशर इज कांस्टेंट व्हिच इज गिवन 1.5 एटमॉस्फेयर चेंज इन वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर. सो द चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा -5 लीटर. एटीएम लीटर में है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है. इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जूल जूल जूल, कैलकुलेशन कर लेना. हो जाएगा अभी? यस सर. उसके बाद था H12. H12, the enthalpy of combustion of this is given when 0.39 gram of C6H6 is burned, excess of oxygen, the amount of heat evolved. हाँ, समझे ना? H12 में एक मोल के लिए तुझे एनर्जी दे रखा है 3250 किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रही है. माइनस साइन मतलब रिलीज होना. फॉर वन मोल क्या हम ये निकाल सकते हैं 0.39 ग्राम में कितने मोल्स होंगे उस सब्सटेंस के? निकाल सकते हैं क्या? यस सर. कितने मोल्स होंगे? वेट बाय मोलर वेट. सो दिस इज द एनर्जी रिलीज फॉर वन मोल इनटू नंबर ऑफ मोल्स टोटल एनर्जी रिलीज. कर लोगे कैलकुलेशन? यस. एक मोल के लिए इतना एनर्जी है तो 0.39 ग्राम में जितने भी मोल्स उसका मल्टीप्लाई कर दिए. H13. The difference between delta H and delta E on molar basis for the combustion of methane. Answer over delta H minus delta E is delta NgRT. ये answer होगा. तो हमें basically delta Ng निकालना है methane के combustion के लिए. CH4 gas plus 2O2 gas, CO2 gas plus twice of H2O liquid. ठीक है, डेल्टा एन जी 1-3 -2 आ रहा है. आंसर इज -2 RT. क्लियर? यस सर. यस सर. इसके बाद था H9. सबसे पहले तो ना प्रश्न सी डायमंड गिविंग सी ग्रेफाइट का डेल्टा एच निकाल. क्या रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 करने पर डिजायर्ड रिएक्शन आ रहा है क्या? यस सर. तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच 2. तो इसका डेल्टा एच होगा सी डायमंड से सी ग्रेफाइट का. हम जा रहे हैं डायमंड से ग्रेफाइट. तो रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 माइनस 94 प्लस 97 2 पॉइंट समथिंग 2 या 3 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगा 1 माइनस 2 करने पर. और वो होगा फॉर वन मोल, दैट इज फॉर 12 ग्राम. तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? क्या डिवाइडेड बाय मोलर मास करोगे तो पर ग्राम आ जाएगा क्या? यस सर. तो डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच 2 बाय 12 इज द आंसर. नेक्स्ट I3 I4. The enthalpy of neutralization of which of the following acid and base is nearly this? -13.6 kilocalorie. That is for strong acid, strong base. Third option is जिसमें दोनों strong है. और ये हमें वैसे पता लगेगा ionic materials में हम पढ़ेंगे इसे.
I4 equal volume of HCOH and NOH is mixed. X is the heat of neutralization of a strong acid, a strong base. The heat evolved of neutralization will be less than X क्योंकि इसमें एक weak component है, तो कुछ energy absorb कर लेगा वो dissociation में. HCOH is weak component. Clear है? I4 जिसका भी doubt था respond करो. Yes sir. नेक्स्ट है A5. A reaction has delta H and delta S. इसमें ना delta G निकालना है. Delta H minus T delta S. यदि delta G negative तो spontaneous. अच्छा वैसे तो वो भी नहीं करना है. Directly बता सकते हैं. It will be spontaneous at low temperature. Spontaneous below certain temperature, delta G, delta H minus T delta S less than zero करना for spontaneity. तुम्हारा final is equation से आएगा T less than something. Clear है? चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पे चलें. एक और डाउट आया K3, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH4 C2H6 इन द गैसेस फेज दिस दैट इज बोन एंथैल्पी ऑफ CC. देखो CH4 में देयर आर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? टोटल इज गिवन 320. क्या एक का मैं बोल सकता हूं 80 होगा? प्रसन्ना? यस सर. अब तुझे C2H6 का दे रखा है 600. बता C2H6 में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 6 × 80 480. टोटल 600 है तो इसका कितना आ जाएगा? यदि इन सब का मिलाकर 480 आ रहा है तो 600 में से कितना बचा? आया समझ में? हाँ सर. इसके बाद एक्सरसाइज 2 दिया गया था, एक्सरसाइज 3 दिया था. क्या दिया था होमवर्क में? कोई बताएगा क्या दिया था एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3? दोनों दिए थे. चलो फर्स्ट विल डिस्कस एक्सरसाइज 2. तुम्हारे टेस्ट में ज्यादा वेटेज डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स का रहेगा क्योंकि करंट चैप्टर से, सारे चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज्यादा रहेंगे. Doubts from exercise 2. Okay, there are some doubts from exercise 2. Question number 28, 30, 31, 32. Given H2 plus Br2 giving 2HBr delta H1,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ब्रोमीन इज डेल्टा एच टू, देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर इज ओके. बताता हूं मैं, बोर्ड पे ही बताता हूं. सबसे पहले तो मैं डिजायर्ड रिएक्शन लिखता हूं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर, हाफ एच टू गैस, हाफ बी आर टू लिक्विड, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज एट रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड, एच बी आर गैस. दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन. वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, एच टू गैस प्लस बी आर टू गैस giving twice of HBr gas. एक और हमें information देख रखे हैं, Br2 gas giving Br2 liquid enthalpy of condensation. Condense करने में जो enthalpy change हुआ है, ये दे रखा है delta H1, ये दे रखा है delta H2, और delta H3 हमें calculate करना है. Reaction 1, reaction 2, reaction 3, desired reaction. H2 चाहिए, H2 यहाँ पर है. Br2 लिक्विड चाहिए, Br2 लिक्विड प्रोडक्ट में माइनस कर दो अपॉन 2, सारे कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो. आंसर विल बी डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा H नॉट बाय 2. क्या समझ में आया अभी ये क्वेश्चन? यस सर. डिजायर्ड रिएक्शन लिखा, H2 चाहिए, हाफ चाहिए तो 1 बाय 2, Br2 लिक्विड चाहिए तो Br2 लिक्विड प्रोडक्ट साइड में हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन विद माइनस साइन. Twice of CO2, twice of H2O, total 3 moles oxygen के required हैं for 1 mole. जब 1 mole burn होता है तो उसका enthalpy change दे रखा है 1411 kilojoule. 1411 kilojoule is the enthalpy of combustion for 1 mole of ethylene. मुझे बताओ, question में दे रखा है total energy released is 5644 kilojoule. क्या लगता है 1 mole के लिए इतना energy? तो 5644 में कितने moles burn हो रहे होंगे? कैसे डिवाइड कर दें? 4 मोल्स आ रहे हैं क्या? क्या रिएक्शन को 4 टाइम्स परफॉर्म करेंगे? 4 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 5644. समझ में आ रहा है? 4 मोल्स कैन रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स? 1 कैन रिएक्ट विद 3, 4 कैन रिएक्ट विद 12 मोल का वॉल्यूम, ये तो मोल्स हो गए, इनटू 22.4, जो भी आंसर दे रखा है मैच कर जाएगा. So, एक मोल में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, टोटल 4 मोल्स के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इनटू 22.4 एसटीपी कंडीशन पर. इसके बाद है 31. एक मोल के लिए हीट ऑफ कंबशन दे रखा है 1710 किलो कैलोरी और 17.1 ग्राम के लिए पूछा है. So for one mole, 1710 into number of moles, 17.1 by molar weight कर देना. आया समझ में? किलो कैलोरी पर मोल दे रखा है, into number of moles कर देना, weight से moles calculate कर लेना, 31 भी कर लेना, हो जाएगा वो question भी. उसके बाद आता है 32. चलो 32 को board पे solve करता हूँ मैं.
देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएस थ्री इज गिवन 5.5 किलो कैलोरी पीएस थ्री 1/4 P4 3/2 H2 गिविंग पीएस थ्री दिस इज द बैलेंस रिएक्शन सो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन जो फॉर्मेशन रिएक्शन है 5.5 इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितने बॉन्ड है पी फोर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 देयर 6 पीपी बॉन्ड बट हम तो 1/4 ले रहे हैं इसका तो 6/4 आ जाएगा पीपी बोन एनर्जी 3/2 HH बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 3 times ऑफ पीएच बोन एनर्जी ये पीपी बोन एनर्जी दे रखा है एचएच दे रखा है पीएच निकाल देना सो बस ये ध्यान रखना था 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोन्स है यहाँ पर 6 bonds 6 पीपी बोन हम 1/4 मॉलिक्यूल यूज करें तो 1/4 उसका आ गया ये 3/2 उसका आ गया एचएच बोन यहाँ पे 1 है माइनस 3 times ऑफ पीएच बॉन्ड कर लोगे अभी ये क्वेश्चन P4 का स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए था जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वैसे ब्लॉक केमिस्ट्री में क्लियर है 32 जिसका भी डाउट था What will be the heat of formation of methane? If the heat of combustion of carbon is this, heat of formation of water is this, and heat of combustion of methane is this. चलो reaction लिखना ही होगा 37th में. नाम बताओ किसका डाउट था 37? 37 किसका डाउट था? अप्राप्ति. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है हमें मतलब सी सॉलिड ट्वाइस ऑफ H2 गैस CH4 गैस इसका एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना है इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है हमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इसका हीट ऑफ कंबशन दिया है ठीक है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर अच्छा मुझे बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 क्या दोनों सेम ही है H2 का फॉर्मेशन मतलब H2 का कंबशन रिएक्शन सो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बोले हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 बोले बोथ हैव सेम रिएक्शन तो इनडायरेक्टली तुम्हें हीट ऑफ कंबशन ही दे रखा है इसका H2 का तुम्हारे पास इसका कंबशन आ गया इसका कंबशन आ गया अब तुम्हें दे रखा हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन तीनों के कंबशन आ गए फिर तुम्हारे पास क्या मैं लिख सकता हूं कैसा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज Enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product. मुझे formation निकालना है कल दिया नहीं है combustion दिया है तो reactant minus product. Formation दिया होता तो reactant की बजाय product minus reactant कर देते हैं. So combustion of carbon which is minus x. H2 का combustion कितना दिया है minus y. तो minus 2 times आ जाएगा y. Minus of CH4 का combustion कितना दिया है minus z. So माइनस ऑफ माइनस जेड आंसर होगा माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड है कोई ऑप्शन ऐसा यस सर फोर क्लियर यस सर उसके बाद था 22, 26, 28, 22 में इक्विलिब्रियम है क्या है नहीं मैं 23 पढ़ रहा हूं 22
डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट गिवन है, क्या पूछा गया है हमसे, लॉग के पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, नहीं आ रहा है क्या इससे आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला से? ये रिलेशन है हमारे पास लॉग के पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट सब कुछ दे रखा है, कर लोगे क्या भी ये क्वेश्चन 22? आफ्टर 22, 26 द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, सबसे पहले तो मुझे SO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना होगा, डिजायर्ड रिएक्शन। तो SO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन होगा सल्फर प्लस O2 गिविंग SO2, दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन। वन मोल SO2 इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। चलो गिवन रिएक्शन से डिजायर्ड रिएक्शन पे आना है, रिएक्शन वन सल्फर चाहिए, रिएक्शन वन में सल्फर है, माइनस रिएक्शन टू, रिएक्शन वन माइनस रिएक्शन टू, तो तुम्हारा डेल्टा एच फॉर डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक ये है, पता है 2x किलो कैलोरी तुम्हें डेल्टा एच नहीं दे रखा है, यदि कभी भी प्रोडक्ट के साथ ऐसा लिखा है ना 2x मींस डेल्टा एच विल बी माइनस ऑफ 2x, प्रोडक्ट के साथ इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे डेल्टा एच की बजाय उन्होंने प्रोडक्ट में एनर्जी दे दी। तो डेल्टा एच वन है तुम्हारा माइनस 2x और डेल्टा एच टू है माइनस ऑफ y। आया समझ में? यस सर। So, ये मैंने शायद बताया भी होगा ना, प्रोडक्ट में यदि प्लस क्यू लिखा है तो डेल्टा एच विल बी माइनस ऑफ क्यू, मतलब जो भी यहां पे लिखा है, और माइनस लिखा होता तो डेल्टा एच होता प्लस टू एक्स। 28 ये तो ऑलरेडी हो गया है, इसके बाद था 49 ideal gas 1 mole expand isothermally reversibly 2 liter to 4 liter and same gas 3 mole expand from 2 liter to x liter and doing same work, what is x? Dekho ये वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल 2.303 एनआरटी लॉग v1 बाय v2, दोनों बार वर्क सेम है, तो ये सेम, आरटी सेम, एन डिफरेंट, v1 v2 डिफरेंट। सो पहले बार मोल्स दे रखा है 1 लॉग ऑफ 2 लीटर टू 4 लीटर, सेकंड टाइम नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 3 लॉग ऑफ 2 लीटर अपॉन v लीटर, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। चलो 3 को पावर में लेके चले जाओ, क्रॉस कर दो 2/4, 1/2 इक्वल टू 2/v^3, 3 का पावर कर रहे हो क्यूब रूट लेना होगा, वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा 2 क्यूब रूट ऑफ 2। एक कोई ऑप्शन ऐसा 2^1 + 1/3, 4/3 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा 2^4/3? सेकंड ऑप्शन, क्या सेकंड ऑप्शन में 2^4/3 दे रखा है? 4^2/3, दैट मींस 2^4/3, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 10। डेल्टा एच is, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, P2V2 - P1V1। डेल्टा यू तुम्हें दे रखा है 30, P2V2 है यहाँ पे 5 × 4 = 20 लीटर, P1V1 है 3 × 2 = 6, सो 20 - 6 = 14 लीटर, 30 + 14 = 44 atm लीटर आ रहा है। समझ में आया क्या? पीवी को लिखना है P2V2 - P1V1, और वो ब्रैकेट में दे रखे हैं प्रेशर वॉल्यूम 4 atm 5 लीटर, 2 atm 3 लीटर,
इज दैट ओके? चलें एक्सरसाइज थ्री पर हम. सर सर एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 35. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा एन जी इज माइनस टू. पुट एवरीथिंग इन जूल, किलो जूल को भी जूल में कन्वर्ट कर लें. कर पाओगे? यस सर. माइनस 92.38 equal to delta U plus delta NG, which is minus 2 into 8.314 into temperature 298. और वो किलो जूल में, तो इसे या तो जूल को 1000 से डिवाइड करना राइट साइड, तो ये भी किलो जूल में आ जाएगा. अभी चले हम एक्सरसाइज 3 पर. पार्ट 1 दिया था एक्सरसाइज 3 से पहले, क्या दिया था? हुआ है नहीं हुआ एक्सरसाइज 3 अभी? Doubts from exercise 3? एक्सरसाइज 3 नहीं सॉल्व किया है, किसी का भी डाउट नहीं आया है? एनी डाउट इन एक्सरसाइज 3? कुछ बोलो जल्दी सर. अभी तक किया ये नहीं है इस वीक में, मेरा एक और लेक्चर है या नहीं है? चलो एक्सरसाइज 3 कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लो. पार्ट 2 में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें थोड़े से, ठीक है? इसके अलावा फिर यदि तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए फ्रॉम एनी चैप्टर, वो भी तुम्हें दे दिए जाएंगे. मैं नेक्स्ट वीक में एक तो एक्सरसाइज 3 लूंगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट को, अच्छा नेक्स्ट एक्चुअली मेरा पार्ट का फिजिकल का तो हो गया है कंप्लीट, 12th का चैप्टर तो मैं उसके बाद ही करूंगा. मैं शायद एस ब्लॉक ले लूंगा फिर तुम्हारा, ठीक है? ओके सर. आप आयोनिक इक्विलिब्रियम बोले थे, आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में होगा. ओके सर. ठीक है चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं आज का.